you don't mind. ठीक 2 घंटे 20 मिनट बाद मेरी शादी हो रही है और मैं नहीं चाहता कि ये वक्त तुम लोग यहाँ बैठे बैठे बिताओ, इसलिए उठो और डांस करते हैं। ए बाबा प्लीज मुझे डांस वांस नहीं करना प्लीज यार। अबे मेरी शादी है तो डांस नहीं करेगा? पदामिनी, did I miss something? आयशा, ये तो लोग कितने क्यूट लग रहे हैं ना? Naughty baby. और पता है, I love this song. और इन दोनों ने कितना क्यूटली इसमें परफॉर्म किया। देख देख, कितने क्यूट लग रहे हैं। Oh yeah. तो दामिनी, तुम मेरी दोस्त हो या मेरी दुश्मन? तुम्हें तो कहती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। Oh God. Ram. Oh. गॉड ये ओके, मैंने सुना जो भी हुआ, कोई ऐसे कैसे कर सकता है तुम पर गलत इल्जाम लगाना? आई एम सो सॉरी फॉर यू, मुझे इतना बुरा लग रहा था आपके लिए। कहाँ है वो औरत जिसने आप पर ऐसा इल्जाम लगाया? उसे पता होना चाहिए कि मेरा पति ऐसा इंसान नहीं है। इनफैक्ट आप ऐसे कैसे कर सकते हो किसी भी औरत को बिना मतलब छेड़ना? यू कांट डू दिस। आपने आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो you just can't do that. I'm so sorry, Ram. I was not there for you. I'm so glad you're okay. I'm okay, Ayesha. Overreacting करने की ज़रूरत नहीं. Okay? Excuse me. Padamini, तुम अगर यहाँ से हिली ना, तो देख ले. तो क्या मैं यहीं बैठी या खड़ी रहूं? Exactly. इसी पोजीशन में थोड़ा भी मूव नहीं कर सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं. ओके? तुम्हें यहाँ पर खड़े होकर राम और प्रिया पर नजर रखनी, उन दोनों को बिल्कुल करीब बताने दे. ओके? ओके, ओके. अब तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ. मैं कॉल करके आती हूँ. Pick up the call. मुझे पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों उस लड़की को राम के पास लाकर छोड़ दिया? आखिर क्या चाहते हो तुम? आयशा, मैंने किसी औरत को उस पार्टी में नहीं भेजा, और अगर मैंने भेजा भी होता या किसी को हायर भी किया होता तो मैं ये जरूर इंश्योर करता कि वो महानता की मूरत जो है ना प्रिया, वो राम के आस पास भी ना मन रहे. मैं क्या लगता कि मैं इतना स्टूपिड हूं कि मैं उस प्रिया को राम की जान बचाने की एक अपॉर्चुनिटी ली और उसके सामने महान बन जाए? ये स्टूपिड प्लान मेरा नहीं है, ये उन लोगों ने बनाया. किसने? अरे वही राम और प्रिया के सबसे बड़े शूटर, उनके चमचे नंबर 1 विक्रम बन गए. वरना तुम ही सोचो, एक भरी पार्टी में एक औरत और राम के ऊपर ये एलिगेशन डाल दिए कि उसने उसके साथ मिसबिहेव किया, तुम्हारा बाथरूम में लॉक हो जाता, दैट मींस कि प्रिया का रास्ता क्लियर हो जाता ताकि वो राम के सामने महान बन जाए. सब कोइंसिडेंस नहीं, इसे प्लान किया गया, सीन बाय सीन स्क्रीन पे लिखा गया, एनैक्ट भी किया गया. ओह हेल, आई थिंक तुम ठीक कह रहे हो, इसलिए उसके बाद राम और प्रिया और ज्यादा क्लोज आ गए थे, जैसे वो पहले वाले राम प्रिया, बिल्कुल लाइक द लविंग वाइफ एंड. यू आर राइट सिर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो दोनों की नजर एक दूसरे से हटी नहीं रही थी. उस वक्त हमारा जो रिश्ते बताए नहीं जाते, जिन रिश्तों को छुपाया जाता है, वो रिश्ते लफ्जों से नहीं नजरों से बयां किए जाते. प्रिया और राम दुनिया के सामने जो भी हो लेकिन एक दूसरे को जानते हैं और दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत अच्छा है. ये बात मुझे बहुत चुभती है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सिर्फ राम जिए या मरे, मुझे सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है कि मेरे बेटे के साथ
राम का नाम होना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो ही तो मैं उसकी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर पाऊंगी। राम की सारी चीजें तुम्हारी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा प्लान फॉलो करना। तो टाइम से वेस्ट कर रहे हो, जल्दी बताओ। आज रात तुम राम के ड्रिंक में कुछ मिक्स करो। भाई लगता है तुम आजकल अपनी खोली में बैठकर टीवी को ज्यादा ही देखने लगे। हाँ, टीवी सोप का प्लॉट यही चल रहा है आज कि लड़की लड़के की ड्रिंक में कुछ मिलाती है और फिर क्लेम करती है कि उसके साथ रात भर सोई है एंड व्हाटएवर ब्ला ब्ला। हाँ, आजकल मैं सीरियल ज्यादा देखता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए ही नहीं। लेकिन हाँ, मैं जो सीरियल देखता हूँ वो थोड़ा हटके है। अब सुनो, ये एक नया प्लॉट है। ये कोई नशे की गोली है, अगर किसी के ड्रिंक में मिक्स कर दो तो उसे कुछ याद नहीं रहता। हाँ, जो भी याद रहता है सिर्फ धुंधा धुंधा से याद। इसे राम के ड्रिंक में मिक्स कर दो, उसके बाद तुम्हें उसे अपने कमरे में ले। घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जब उसे होश आएगा तो उसे लगेगा कि के बीच में बहुत कुछ हो गया और उसके बाद बेचारा राम बहुत गिल्टी फील करे और उसके अंदर का जो अच्छाई का कीड़ा है उसे प्रिया के नजदीक कभी जाने नहीं देगा। अब बोलो। You are too good. Yes. वो तो मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, राम के ड्रिंक में मिक्स करना, इतना तो कर सकती हूँ। इतना तो कोई बच्चा भी कर सकता। बदन पे सितारे लपेटे हुए जाने तमन्ना किधर जा रही हो। पुलिस स्टेशन जा रही हो, चलना है क्या? मुझे मैं रम्मी कपूर हूँ, रम्मी कपूर। जरा पास आओ जाने बाहर किसे देख के। ओए, वो क्या हो गया मुझे? तो ये बैग गियर में क्यों चल रहा हूँ मैं? कमाल है, है? ओ यार, वो बेटी को बचाने गया तो मात में आ गई। कमाल है यार, ये शराब भी ना कमबख्त अजीब चीज होती है। कहाँ चला गया यार ये? फिर गायब हो गया, क्या हो रहा है? मैं अभी वो शिवरा जी का पल्लू हाथ में आ गया था, उनके साथ नाचा मैं, अभी ये सिर दिखाई दे रहा है। यार क्या हो रहा है? Excuse me. Yes, ma'am. क्या मैं एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? Of course. क्या आप मेरे लिए मेरी फेवरेट सिंगर लता जी का मेरा फेवरेट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, लग जा गले? विद प्लेजर, सिर्फ आपके लिए और मेरी भी फेवरेट लता जी के लिए। थैंक यू सो मच। देखा तुमने? हाँ, देखी तो रही हूँ। राम और प्रिया एक दूसरे के करीब आए? बिल्कुल भी नहीं। क्या कर रहे थे वो लोग? कुछ नहीं कर रहे थे, बात तक नहीं की इन दोनों ने तो। सोना, बात नहीं कर रहे थे पर फिर भी बात कर रहे। मतलब they are totally connected to each other. मैंने नोटिस किया, दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे थे। देख देख, अभी भी तो यही कर रहे हैं। शट अप ओके। वो ना तेरा हस्बैंड जिसके बारे में तुम मुझे बता रही हो। पर
मुझे कहा था कि तुम दोनों में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ नहीं है, आई मीन वैसा रिश्ता ही नहीं है। और वैसे भी मैंने तो तुझे कभी ऐसे राम को देखते हुए नहीं देखा जैसे रिया देख रही है। अच्छा शट अप ओके, तुम जाओ यार यहाँ से, बोर करके रख दिया तुमने। हाँ मैं जा रही हूँ, और बोर मैं नहीं, और तुम हो, और तुम्हारी ये पार्टी, ऐसे कोई पार्टी करता है क्या? बस एक जगह खड़े रहो और दो लोगों को कंटिन्यूसली देखते रहो, जैसे कोई संगीत नहीं, कोई इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया। मैं एक गाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लग जा गले एक बार प्लीज प्ले कर। समवन स्पेशल सर? यस वेरी स्पेशल, पार्टी खत्म होने से पहले एक बार प्लीज प्ले कर। ओके सर। वन ऑरेंज जूस प्लीज। ओके मैम। बस हो गया यार टाइम, सुने आपने कुछ खाया है? नहीं बना लो के ऐसे कैसे हो पाएंगे, सुबह से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, शादी की प्रिपरेशन में घूमे जा रहे हैं, यू फील वीक, हैव समथिंग अब एटलीस्ट आदत। अरे मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे जूस की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं होता है, आपको पीना पड़ेगा, यू फील एनर्जेटिक, यू गुड रन। ओके ओके मैं पी लूंगा। हैव इट, पी लो पी लो धीरे धीरे। एक्चुअली आपको मुझसे कुछ बात भी करनी थी राइट, हम दोनों के बारे में। हाँ वो आप रेड हैं, लेट्स टॉक। ठीक है, बट मैं विक्रम से इस वक्त बात कर रहा हूँ, बाद में थोड़ी देर बाद आता हूँ। या श्योर, आई एम वेटिंग इनसाइड। ओके थैंक यू। तो जूस पी, और वैसे भी मुझे रेडी हो जाना चाहिए यार, वरना नेहा ना मंडप में ही मुझे कच्चा खा जाएगी। क्या प्रॉब्लम है, अब तो तू शादी कर रहे हो, वो तो रोज तेरे को खाने वाली है। ओए एक मिनट, मैं शादी तेरे लिए कर रहा हूँ, समझ गया? तुम बार बार याद दिलाना जरूरी है कि मेरे लिए कर रहे हैं सबको। बिल्कुल अब देखती हो रहा, देखती हो रहा। हाँ यार चलता हूँ, तू तू रेडी हो जाना। प्लीज मैम। शादी के मंडप पे जल्दी चलो भी। हाँ, चलो हाँ, चलो चलो वैसे भी मुहूर्त निकल रहा है, हमको तैयारी भी करनी है। अच्छा चलो 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 जल्दी 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 जल्दी, बहुत देर हो रही है, जल्दी करो। क्या हुआ भाई, आर यू ओके? हाँ वो आई थिंक इतने दिनों के बाद ऐसे बाल ऐसे बनाए थे तो सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए जाके। एक मिनट, तुमने खाना खाया? नहीं खाया नहीं, बस जूस पिया था थोड़ा बहुत। यही तो प्रॉब्लम है ना तुम्हारे साथ प्रिया, ये आदत तुम कभी बदलोगी ही नहीं यार, वक्त पे खाना नहीं खाओगी तो ये सब होगा ना। प्लीज धीरे बोलिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है मिस्टर कपूर। मैं सॉरी सॉरी, एक काम करो ऊपर चलो मेरे साथ, थोड़ी देर आराम करो, लेट जाओ 20 मिनट के लिए, यू विल फील बेटर। नहीं आई हैव टू चेंज वो। अरे व्हाट डू यू मीन, नहीं रुको एक कम है। I'm fine. Just come with me. ध्यान से। बस सर में दर्द है। अरे सर में दर्द, सर में दर्द। खाना नहीं खाओगी तो obviously होगा ना यार। अभी बातचीत बंद करो, बस थोड़ा सा आराम करो, you'll be fine in 20 minutes. समझ। सर ऐसे लग रहा है एकदम घूम रहा है। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ कि लेट जाओ।
क्या कहा अभी आपने? आई लव यू. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.